राजपूतों का अपमान करने का प्रयास बार बार होता रहा इस देश में, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, बार बार होता रहा। वो पुरुषोत्तम रूपाला भारतीय जनता पार्टी के सांसद अब भी कर रहे हैं। भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सारे मुद्दे हमारे पास है, क्योंकि हम देश की जनता है। तो मैं वोट देने के लिए तो कर रहा पंचायत कि भाजपा को वोट ना दो। दोस्तों नमस्कार, मैं इसमें धौलाना में हूँ और यहाँ राजपूतों की महापंचायत चल रही है। मेरे साथ उसके जो है आयोजक पूरन सिंह मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। पूरन सिंह जी, क्यों पंचायत आयोजित करने की आपको जो जरूरत पड़ी? भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही पंचायत? वो तो वोट लेने के लिए कर रही। तो मैं वोट देने के लिए तो कर रहा पंचायत कि भाजपा को वोट ना दो। क्यों, वजह क्या है? ये भाजपा से पूछो कि वो क्यों लेना चाहे वोट। नहीं, कुछ मुद्दे होंगे आपके जिसकी वजह से आपने पंचायत के पास? कोई मुद्दा ही नहीं है, सारे मुद्दे हमारे पास है, क्योंकि हम देश की जनता है। मोदी जी कहें कि देश विकसित हो रहा, अगर देश विकसित है भाई, मेरे घर में एक आदमी सरकारी नौकरी है और फिर मैं मजदूरी पे जा रहा, तो इसका मतलब वो मेरा सहयोग नहीं कर रहा। तो समझ लो कि यदि देश विकसित करने की अग्रसर हैं और फिर भी 80 करोड़ लोग नाच पर आधारित हो मेरे भाई, तो ये फिर कोरी झूठ है, इसमें कोई बात सच नहीं। बाकी आप कह रहे थे कुछ अपमान भी हुआ है राजपूतों का, एक बड़ा मुद्दा है जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, वो क्या है? राजपूतों का अपमान करने का प्रयास बार बार होता रहा इस देश में, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, बार बार होता रहा। वो पुरुषोत्तम रूपाला भारतीय जनता पार्टी के सांसद अब भी कर रहे हैं, उसका विरोध गुजरात में है। प्रदीप चौधरी या उनके संबंधित लोग 29 तारीख में सहारनपुर में अपमान कर रहे थे, कमरपाल गुज्जर, अशोक गुज्जर हरियाणा में केथड़ के अंदर अपमान कर रहे थे। ये एक बड़ी लड़ाई है जो पूरे देश का क्षत्रिय समाज लड़ रहा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लड़ रहा, और भारत का हर एक जात, भारत की हर एक जाति, हर एक धर्म अपने स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ता है और हमेशा लड़ता रहेगा। अभी आपने रोजी रोटी की बात कही, उसमें अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है, और कहा जाता है कि इस देश के अंदर छत्री जो है बॉर्डर की रक्षा करते रहे हैं, वो क्या वो भी एक मुद्दा है जो इस पंचायत में खड़ा हो रहा है? आप बताओ, क्या अग्निवीर योजना से इस देश की सुरक्षा हो जाएगी? ये चाहते हैं कि ये 4 साल की ट्रेनिंग लेकर यहाँ नेताओं के साथ गन पकड़ के फिरे? इस देश की सुरक्षा की चिंता नहीं है इन्हें? इस देश का एक भी नेता को 1% क्षति ना हो जाए उसकी चिंता है? इस देश के नेताओं की सुरक्षा में सारे लोग रहे ये चिंता है? इस देश की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं? पूरन सिंह जी, कहा जा रहा है कि यहाँ जो है योगी को बचाने के लिए राजपूत समाज मोदी के खिलाफ हो गया, ये क्या समीकरण है? हम देश को बचाने के लिए हैं और देश को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, लोकतंत्र को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग तो देखिए 14 में भी वोट किए थे, 19 में भी किए थे, क्या कोई बातचीत नहीं हुई बीजेपी के नेताओं से, कोई बातचीत, कोई संपर्क विरोध करने से पहले? सन 2052 में पहली बार चुनाव हुआ था, तब भी थे राजपूत, तब भी तो दी होगी ना वोट, जब भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं। तो जब हमने 52 में भी वोट दी, अब 24 में भी देंगे, तो जरूरी थोड़ी के भाजपा को देनी, किसी को भी देंगे भाई लोकतंत्र में। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर बूथ पर पहुंचेंगे लोग, जिस तरह से लोग अब तक वोट देते रहे हैं, वहां क्या पता मन बदल जाए, ऐसा तो नहीं होगा? अब बटन तो मैं दबाने का नहीं, आह्वान ही कर सकता हूँ। अगर मोदी जी को ये यकीन है कि वहां जाके वोटर बदलेगा, तो मुझे भी ये यकीन है कि वोटर बदलेगा तो जरूर, लेकिन इस बार कमल पे नहीं जाएगा बस। अब आखिरी सवाल, कितना व्यापक विरोध हो रहा है? क्यों गुजरात में रूपाला के खिलाफ एक गोलबंदी दिख रही, यूपी में दिख रही है, राजस्थान में भी कुछ पंचायतें हुई हैं, क्या राष्ट्रीय स्तर पर गोलबंदी और आगे बढ़ेगी? पूरे देश में गोलबंदी है, पूरे देश का राजपूत समाज नाराज है। और मैं ये नहीं कह रहा वो कितने परसेंटेज में नाराज है, लेकिन हम ये बात दावे से कह सकें कि वो नाराज है और वो अंतिम चरण तक नाराज रहेगा। और इसके बाद भी, सरकारें बनने के बाद भी, यदि ये परंपराओं पर कुछ नहीं लगाया, तब भी वो नाराज रहेगा, लड़ता रहेगा। अब आखिरी सवाल एक और बता दीजिए, ये जो पूरा चल रहा है, इसमें कोई आपस में कोऑर्डिनेशन भी बन रहा है, कोई संगठन बन रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, किसको इसको कैसे आगे ले जाए, ऐसा कुछ है? पूरे भारत में राजपूत है, पूरे भारत का राजपूत एक है। शुक्रिया पूरन जी बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं इनका कहना कि राष्ट्रीय स्तर पर गोलबंदी हो रही है और पूरे देश के राजपूत बीजेपी खिलाफ हैं, और बूथ पर पहुंचने पर उनका मन नहीं बदलेगा और बीजेपी खिलाफ वोट करेंगे। लिहाजा आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है, अब बीजेपी इसको कितना गंभीरता से लेती है ये देखने की बात होगी। धौलाना से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।